आप सबको प्रणाम, जय सियाराम। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम त्रिकोणमिति 8.4 का पांचवें प्रश्न का आखिरी प्रश्न हल करते हैं, दसवां प्रश्न। देखिए यहाँ पर तीन भाग दे रखे हैं आपको। 1 + 10² / 1 - cot² = 1 - 10 / 1 - cot² पूरे की पावर 2 = 10² तीन भाग हैं आपको। ये भाग लेकर 10² लाना है, फिर ये भाग लेकर 10² लाना है। तो पहले इसको LHS और इसको RHS मान लेते हैं अपन, या फिर पहला भाग और दूसरा भाग भी आप लिख सकते हो ना। तो देखिए हल, पहले अपन ये भाग ले रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ LHS पक्ष लेने पर। तो LHS पक्ष में अपन लिखेंगे 1 + 10² / 1 + cot². देखिए यहाँ पर इसको लेकर ना अपने को 10² लाना है, फिर इसको लेकर 10² लाना। तो पहले अपन इसको हल करते हैं। आपको पता है यहाँ पर सूत्र में लिख देता हूँ, 10A का फार्मूला होता है sin A / cos A। इसी प्रकार से यदि cot A का आप देखेंगे तो cot A बराबर होता है cos A / sin A। ये दोनों फार्मूले अपन यहाँ यूज़ कर रहे हैं। 1 + 10² A, तो यहाँ पर मैं सूत्र लिख दूंगा sin² / cos² और ये मेन बटा 1 + cot² कोट के स्थान पर अपन सूत्र लगा देंगे cos² / sin² अब देखिए यहाँ पर फिर ये मेन बटा आप ऐसा ही रखें, ऊपर लघुत्तम लेंगे अपन तो आएगा लघुत्तम cos² का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो cos² + यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो इधर हो जाएगा sin². इसी प्रकार से नीचे LCM आएगा तो आएगा sin² इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² + cos² अब देखिए दोनों जगह एक ही सर्वसमिका यूज़ हो रही है। पहली सर्वसमिका क्या है, sin² + cos² किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो अपन 1 यहाँ पर पुट कर देते हैं, 1 / cos² ठीक है ना। ये sin² cos² बराबर 1 हो गया, तो 1 / cos ये आपका मेन बटा यहाँ पर आ जाएगा 1 / sin². अब देखिए इनका उलट गुणित करते हैं अपन, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर 1 / cos² तो ये ऊपर वाला, तो ऐसा कैसा उलट गुणित इसका होगा, तो ये हो जाएगा sin² / 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, sin² / cos² और आपको पता है sin / cos किसका सूत्र है, 10 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 10² ठीक है। आप इसको चाहो तो यहाँ समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हो। अब अपन RHS पक्ष लेंगे, तो RHS पक्ष लेने पर RHS पक्ष में अपने पास है 1 - 10A और 1 - cot A पूरे का स्क्योर, ध्यान रखना होल स्क्योर। यहाँ पर अब वही सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपन, 1 - 10 के स्थान पर sin A / cos A, फिर 1 - cos A / sin A, ये पावर 2। अब देखिए यहाँ पर LCM ले रहा हूँ, ये आपका मेन बटा है, यहाँ पर पावर 2 है। LCM लिया अपन ने, नीचे LCM आया cos A का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos A - sin A। इसी प्रकार से नीचे LCM लिया अपन ने तो ये हो गया sin A, इधर हो जाएगा sin A - cos A। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं इधर हल कर देता हूँ, बाकी बचा हुआ भाग cos A - sin A / cos A और यहाँ पर sin A - cos A / sin A, तो इनका उलट गुणित कर रहा हूँ, साथ में ही अलग अलग भी कर रहा हूँ। देखिए इस भाग को अलग कर देता हूँ तो ये हो जाएगा cos A - sin A / cos A और इसकी पावर पूरे की क्या चढ़ा देता हूँ, 2। इसी प्रकार से इस भाग को अलग करता हूँ क्योंकि इसका उलट गुणित कर रहे हैं अपन, साइन ऊपर चला जाएगा sin A / sin A - cos A, इसका भी पावर
ये अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि ये घात दोनों की है, इसकी भी है और इसकी भी है। तो एक बार इनको ऊपर वाले को एक तरफ कर लिया, फिर नीचे वाले का उलट गुणित किया और घात को एक तरफ कर लिया। अब देखिए अपने पास यहाँ पर कैंसिल होने जैसा कुछ है क्या, कोस ए माइनस साइन है, और यहाँ पर क्या है, साइन है माइनस कोस है, किसी भी एक को अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर वाले को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस वन कॉमन ले रहा हूँ, माइनस वन, तो ध्यान रखिए ये बटा इसका है ही सही, तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पर साइन आगे आ जाएगा, साइन ए माइनस कोस है, ठीक है, चिन्ह बदल गए, माइनस का साइन था तो आगे चला गया, ये कोस के पास माइनस आ गया, और इसकी पूरे की पावर टू और नीचे वाले की पावर टू कर देते अपन, कोस स्क्योर ए इन टू, यहाँ पर भी पावर में अलग अलग कर देता हूँ, साइन स्क्योर ए अपन साइन ए माइनस कोस ए, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, टू। अब देखिए वन की पावर टू करेंगे अपन, तो ये वन वन ही रहेगा, इसलिए इसको ऐसा कैसा लिख देते अपन, साइन ए माइनस कोस ए की पावर टू अपॉन कोस स्क्योर ए इन टू साइन स्क्योर ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम ये ऐसा कैसा आ जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए, इसकी भी पावर कितनी है, टू। तो देखो ये कैंसिल हो गए आपस में, तो अपने पास बचा साइन स्क्योर ए अपॉन कोस स्क्योर ए, और साइन स्क्योर ए अपॉन कोस स्क्योर ए किसका फार्मूला है, यहाँ से देखेंगे आप तो टेन स्क्योर ए, ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर दो। अब देखिए आप LHS में अपने पास क्या है, टेन स्क्योर ए, RHS में भी क्या आया, टेन स्क्योर ए, और यही अपने को सिद्ध करना था। तो समीकरण नंबर एक व दो से LHS बराबर RHS किसके बराबर है, टेन स्क्योर ए के, और यही अपने को सिद्ध करना था, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ या फिर हैंस प्रूव्ड। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।